हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल रुद्राक्ष क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज से मैं आर्डिनो यूनो पे बेस्ड एक सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आर्डिनो जो है वो आर्डिनो सीसी के द्वारा बनाया गया है और आर्डिनो बोर्ड के भी कई टाइप के बोर्ड्स हैं। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो फ्रेंड्स, पहले हम देखेंगे कि आर्डिनो यूनो है क्या। फ्रेंड्स, द आर्डिनो यूनो इज एन ओपन सोर्स माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड बेस्ड ऑन द माइक्रोचिप एट मेगा 328P माइक्रोकंट्रोलर एंड डेवलप्ड बाय आर्डिनो सीसी। फ्रेंड्स, जो ये आर्डिनो बोर्ड है, ये एक ओपन सोर्स माइक्रोकंट्रोलर है जो माइक्रो चिप मेगा 328 के प्रोग्रामिंग पर या फिर उसके फंक्शंस पर बेस है। फ्रेंड्स, ये माइक्रो चिप मेगा 328P एक टाइप ऑफ माइक्रोकंट्रोलर है, माइक्रो चिप है। एंड ये जो माइक्रो चिप आर्डिनो यूनो है, ये आर्डिनो सीसी के द्वारा डेवलप की गई है। सो फ्रेंड्स, जो ये आर्डिनो है, इसमें कई टाइप के डिजिटल एंड एनालॉग पिंस होती हैं। डिजिटल एंड एनालॉग पिंस मतलब इनपुट एंड आउटपुट। फ्रेंड्स, अब मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्डिनो बोर्ड्स बताऊंगा। फ्रेंड्स, इस सीरीज में तो हम सिर्फ आर्डिनो यूनो पे फोकस करेंगे, मगर आर्डिनो यूनो के अलावा बहुत अलग टाइप्स के आर्डिनो बोर्ड है, जैसे आर्डिनो नैनो, आर्डिनो माइक्रो, आर्डिनो ड्यू, लिलीपैड आर्डिनो बोर्ड, आर्डिनो ब्लूटूथ एंड रेड बोर्ड एंड आर्डिनो बोर्ड। सो फ्रेंड्स, ये रहा आर्डिनो बोर्ड का स्ट्रक्चर। आर्डिनो यूनो बोर्ड है, उसका ये एक एग्जांपल है, एक पिक्चर है उसकी। लेकिन फ्रेंड्स, इसको बताने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप आर्डिनो यूनो कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले गूगल क्रोम पर जाएं, उधर टाइप करें आर्डिनो यूनो फॉर डाउनलोड, एंटर। फ्रेंड्स, आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। फिर आपको इधर से आर्डिनो डाउनलोड आईडी फ्री लेटेस्ट वर्जन, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक लिंक आएगा, यहाँ से आपको इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड करना है। मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मेरे लैपटॉप में ये पहले से डाउनलोडेड है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये साइट नहीं मिलती है तो कोई फिक्र की बात नहीं है, मैंने इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब ये है आर्डिनो यूनो बोर्ड का एक एग्जाम्पल। फ्रेंड्स, इसमें बहुत कॉम्पोनेंट्स होते हैं, अगर इसमें से मैं कोई कॉम्पोनेंट्स बताऊंगा क्योंकि बाकी कॉम्पोनेंट्स जो वो ज़्यादा यूज नहीं होते। सो फ्रेंड्स, एक तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एक मेटल केस, ये होता है USB-B पोर्ट। फ्रेंड्स, ये USB-B पोर्ट किस काम का आता है? तो फ्रेंड्स, ये USB पोर्ट है, इसके द्वारा हम अपने लैपटॉप से या PC से आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करते हैं। मान लो अगर आपको आर्डिनो बोर्ड को प्रोग्राम करना है, तो आपने यहाँ पे एक USB केबल आती है, उसको लगाना है और अपने कंप्यूटर से या लैपटॉप पे से प्रोग्राम करके उस प्रोग्राम को रन करना है, ताकि जो प्रोग्राम है ये आर्डिनो बोर्ड में चल सके। फ्रेंड्स, अब उसके बाद आता है रीसेट बटन। मान लो फ्रेंड्स, रीसेट बटन किस लिए यूज होता है? मान लो फ्रेंड्स, मैंने कोडिंग लिखी है और मैं चाहता हूँ कि उसके अलावा मैं कोई और कोडिंग लिखूँ और मैं चाहता हूँ वो कोडिंग डिलीट हो, तो इस आप रीसेट बटन को क्लिक करें तो जो आपने पहले प्रोग्रामिंग इसमें रन की थी वो अपने आप डिलीट हो जाएगी और आप इसमें नई कोडिंग रन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आ जाता है 7-12 वोल्ट बैरल जैक। फ्रेंड्स, ये 7-12 वोल्ट बैरल जैक है क्या? मान लो आपने आर्डिनो को कोडिंग दे दी, ठीक है, लेकिन आर्डिनो को पावर कहाँ से मिलती है? लैपटॉप से मिलेगी, जिससे आपने कनेक्ट कर रखा है। मान लो आपने कोई रोबोट बनाया है और वो आप साथ में लैपटॉप लेकर घूम नहीं सकते, तो उसके लिए अगर आप आर्डिनो को पावर देने के लिए 7-12 वोल्ट बैरल जैक होता है। इसमें आप 7-12 वोल्ट की कोई भी बैटरी यूज कर सकते हैं और उसको इससे कनेक्ट करके आप अपने आर्डिनो को ऑन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं आर्डिनो की बहुत सारी पिन्स। तो फ्रेंड्स, आर्डिनो में एक तो जो नॉट कनेक्टेड है, इसमें कोई ये पिन किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं होती, तो ये ज्यादातर वो यूज ही नहीं होती। नेक्स्ट आ जाता है 1/0 रेफरेंस वोल्टेज, देन रीसेट, 3.3 वोल्ट आउटपुट, 5 वोल्ट आउटपुट, ग्राउंड। फ्रेंड्स, अगर आपके बोर्ड पे GND लिखा होता है, बेसिकली ग्राउंड को, मगर यहाँ पे साइड पे ग्राउंड बताया हुआ है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि GND का मतलब क्या होता है। फ्रेंड्स, GND का मतलब ही ग्राउंड होता है। उसके बाद नीचे पिन्स आ जाती है, इनपुट वोल्टेज,
एंड देन उसके बाद फ्रेंड्स अपनी आ जाती है एनालॉग पिन्स। फ्रेंड्स देयर आर चार टाइप की एनालॉग पिन है इस साइड में। फर्स्ट है एनालॉग पिन 0, एनालॉग पिन 1, एनालॉग पिन 2, एनालॉग पिन 3, एंड देन 12CSDA, 12CSCL, 80 मेगा माइक्रो कंट्रोलर आईसी, आईसीपी 480 मेगा 328। देन आ जाती है हमारी एक और ग्राउंड पिन मॉसी, दिस इज नॉट दैट मॉसी, इट इज MOSI। देन आ जाती है VCC। फ्रेंड्स ये यहाँ पे टोटल 6 पिन्स होती हैं। ये नीचे की 3 है, अब ऊपर वाली है जो ये वाली है, ये होती है रीसेट, ये वाली होती है SCK और ये होती है MISO। फ्रेंड्स अब जो ये 4 पिन्स है इसमें जो ये टॉप फर्स्ट पिन है ये है इंटरप्ट 1, ये होती है इंटरप्ट 2, ये वाली होती है TDX और ये होती है RXD। उसके बाद हमारी ये पिन्स आ गई। तो फ्रेंड्स जो ये बॉक्स है 6 पिन्स का, ये होता है ICSP इन सर्किट सीरियल प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स उसके बाद ये पिन्स आ जाते हैं। तो ये LED पिन है जहाँ से आपको ये पिन, वैसे ये दिखाता है कि आपका Arduino को पावर मिल रही है और वो वर्क कर रहा है। और ये जो वो 2 पिन्स है इसमें जो फर्स्ट वाली पिन है वो है 12CSCL सीरियल क्लॉक और नीचे वाली है 12CSDA सीरियल डेटा। सब उसके नीचे ये 4 पिन्स जो हैं वो है SCK सीरियल क्लॉक, सेकंड वाली MISO मास्टर इन स्लेव आउट, नेक्स्ट है MOSI मास्टर आउट स्लेव इन और नेक्स्ट होती है SS दैट इज स्लेव सिलेक्ट। फ्रेंड्स मैंने आपको इसके सारे कंपोनेंट्स बता दिए हैं और एक 2 कंपोनेंट्स रह गए। एक ये होता है 12 MHz क्रिस्टल ऑसिलेटर और ये होता है वोल्टेज रेगुलेटर। फ्रेंड्स वोल्टेज रेगुलेटर का पर्पस क्या है? फ्रेंड्स वोल्टेज रेगुलेटर का ये पर्पस है, मान लो गलती से कि वोल्टेज ज़्यादा आ गया है इस Arduino में तो आपको Arduino खराब ना हो, इसीलिए वोल्टेज रेगुलेटर इन्होंने यहाँ पे लगाया होता है। फ्रेंड्स ये था आपको Arduino बोर्ड इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम एक नॉर्मल लाइट को ब्लिंक करने की प्रोग्रामिंग करेंगे। थैंक यू।